दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं विमेंस प्रीमियर लीग के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस यूपी वॉरियर्स के बीच में नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम के अंदर 7 मार्च को शाम के 7:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है वाईकॉम 18 नेटवर्क के ऊपर। अगर मैं आपसे बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो देखो बहुत ही कमाल की पिच है। बल्लेबाजी करने के लिए बॉल काफी अच्छे से बैट के ऊपर आ रही है, बाउंड्रीज भी काफी छोटी। उम्मीद करते हैं इस मुकाबले में एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर होने वाला है। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। तो दिल्ली ने पहले मुकाबले में काफी शानदार जीत हासिल करी और इस मुकाबले के अंदर भी ना, मेरे को लगता है ये टीम बहुत शानदार खेलेगी। मतलब क्या ही कमाल की टीम है दिल्ली के पास में। ओपन करने के लिए शफाली वर्मा और मैग लैनिंग, इन दोनों ने क्या ही कमाल बल्लेबाजी करी पिछले मुकाबले में। फिर एक बार इस मुकाबले के अंदर ना ये दोनों कंटिन्यू करना चाहेंगे, दो काफी बड़े नाम है। उसके बाद बल्लेबाजी करने आती है मरिजान कैप, जेमिमा रॉड्रिगेज और एलिस कैप्सी। मतलब ये तीनों भी इतनी कमाल प्लेयर है। मरिजान कैप और जेमी पिछले मुकाबले के अंदर काफी शानदार खेले, एलिस कैप्सी बहुत अच्छी प्लेयर है, इंग्लैंड से आती है, उनको मौका मिला तो वो भी काफी कमाल कर सकती है और वो गेंदबाजी के अंदर भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी। फिर गेंदबाजी में आती है टारा नॉरिस, पिछले मुकाबले में 5 विकेट निकाले, नॉरिस एक बहुत ही कमाल की तेज गेंदबाज है। फिर मरिजान कैप आपके लिए गेंदबाजी करेंगे, एलिस कैप्सी आपके लिए गेंदबाजी करेंगी। आपके पास ऑस्ट्रेलिया की स्पिनर जेस जोनासन का ऑप्शन है, साथ ही में राधा यादव भी इंडिया की। तो इतनी कमाल की बॉलिंग, इतनी कमाल की बैटिंग, दिल्ली एक बहुत ही शानदार टीम और इस मुकाबले के अंदर बिना वो कमाल करना चाहेगी। अब मैं आपसे बात करता हूँ यूपी वॉरियर्स के बारे में। तो देखो यूपी वॉरियर्स के बारे में ना लोग इतनी बात नहीं कर रहे, पर मेरे हिसाब से काफी बड़ी अंडरडॉग्स है यूपी वॉरियर्स इस टूर्नामेंट के अंदर। कप्तान इनकी एलिसा हीली है, ऑस्ट्रेलिया से आती है, बिग गेम प्लेयर है। अगर एलिसा हीली चली ना, वो अकेले दम पे मुकाबले पलट सकती है। फिर कुछ इंडियन प्लेयर्स हैं, पिछले मुकाबले में नंबर 3 पे किरण नवगिरा को खेलने का मौका मिला, किरण नवगिरा ने हाफ सेंचुरी मारी नंबर 3 पे आते हुए, नंबर 3 पर उन पे भरोसा किया गया। ये मेरे को अच्छी बात लगी कि किसी इंडियन प्लेयर के ऊपर ना भरोसा दिखाया गया है। लेकिन जो लोअर ऑर्डर है इस टीम का, वो मुझे काफी अच्छा लगता है। दीप्ति मैगरा 3-2-1, दीप्ति शर्मा, तालिया मैगरा और ग्रेस हैरिस, ये तीनों बहुत कमाल है। दीप्ति शर्मा मेनली स्पिन बॉलिंग करती है, कभी कभी बल्लेबाजी भी कर लेंगी, लेकिन तालिया मैगरा और ग्रेस हैरिस ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर्स हैं, दोनों काफी तेज क्रिकेट खेलती हैं। ग्रेस हैरिस ने पिछले मुकाबले के अंदर ही प्रूव किया उनकी बल्लेबाजी कितनी शानदार है। तो ग्रेस हैरिस के ऊपर इस मुकाबले के अंदर भी ना नजरें बना के रखिएगा। स्पिन बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है इस टीम की, दीप्ति शर्मा स्पिन बॉलिंग करेंगी, फिर इंग्लैंड की सोफी एक्लिस्टन है, साथ ही इंडिया की राजेश्वरी गायकवाड़ भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इस टीम में स्पिन बॉलिंग काफी स्ट्रांग है, हालांकि तेज गेंदबाजी उतनी स्ट्रांग है नहीं यूपी की टीम की। अगर मुझे किसी एक टीम को पिक करना है इस मुकाबले में, तो मैं पिक करने वाला हूं दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किया चैनल को इस तरह वीडियोस देने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।